18 देखिए, इफ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल सच दैट पी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंगल ए पी 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ कोड ए बी। चलिए देखते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, पी ए एंड यहाँ पर पी बी एक्सटर्नल पॉइंट पी से, सच दैट पी ए इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो पी बी भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा, फिर एंगल ए पी बी जो है 60 डिग्री है, एंगल ए पी बी ये 60 डिग्री है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये दिखा देते हैं 60 डिग्री, आगे क्या करें, देन द कोड ए बी, ए बी का लेंथ बताना है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे इसको ज्वाइन कर दें कोड को और इसके सर्कल से सेंटर से मिला दें, तो हम लोग जानते हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। हमें ये निकालना है लेंथ ऑफ कोड ए बी, तो इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी। अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर निकाले और हाइपोटेनस दिया है तो साइन थीटा ही यूज करेंगे, पी बाई एच, यानी हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू में ए सी और बाई में पी ए, हो जाएगा ये 1/2 इक्वल टू में ए सी और बाई में पी ए का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 5/2 सेंटीमीटर ए सी हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो वो 2 टाइम्स होगा ना जी ए सी का, यानी कि 2 इंटू में 5/2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, क्या है जी ए बी। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये इनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 है और ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो ये भी 60-60 आ जाएंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस साइड इक्वल है 5-5, तो ये भी आपका 5 होगा। डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, देख सकते हैं।